इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री एंड इंडिया ने काफी कंफर्टेबली यहाँ पे लाओस को हरा दिया है उन्हीं की होम कंट्री में। बट क्या इंडियन नेशनल टीम अंडर 20 की क्वालिफाई हो पाएगी अंडर 20 एशियन कप के लिए? स्टिल इट रिलाइज ऑन अदर मैचेस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो आज हमारे अंडर 20 क्वालिफायर्स का टू द एशियन कप आखिरी मैच था इंडिया वर्सेस लाओस का। लाओस की होम स्टेडियम में ही मैच था, लाओस में ही सारे मैचेस हो रहे हैं इंडिया के, हम सबको पता है। बट एक 2-0 कंफर्टेबल विन हमने दर्ज कर तो ली लाओस के अगेंस्ट, बट यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इंडिया की फिनिशिंग के बारे में। इंडिया की फिनिशिंग बहुत ही पथेटिक थी आज। ये जो स्कोर लाइन है 2-0, इसको ईजीली हम 7-0 8-0 तक कर सकते थे। इतने भर भर के हमारे को चांसेस मिले, इतने चांसेस हमने बनाए, बट हम उनको बरी ही नहीं कर पा रहे थे गोल के अंदर। हमारे जो फॉरवर्ड्स थे, गोयारी की अगर मैं बात करूँ, कोरो की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने इतने ज़्यादा पथेटिक परफॉर्मेंस दी है। यस, गोयारी ने फिर एक गोल मारा भी है, बट यहाँ पे 7-0 8-0 कर सकती थी इंडिया अंडर 20 टीम, एंड यहाँ पे कंफर्टेबली अपनी जगह वो बना सकते थे अंडर 20 एशियन कप में। बहुत सालों बाद हम क्वालिफाई अभी भी हो सकते हैं क्या, बट अगर हम 7-0 8-0 अगेंस्ट लाओस जीत जाते, अपनी क्लिनिकलिटी दिखाते गोल के आगे, तो फिर हमको दूसरे मैचेस पे, दूसरे ग्रुप्स के फिक्स्चर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। एंड अगर आपके अटैकर्स, अगर आपके फॉरवर्ड्स क्लिनिकल नहीं है गोल के आगे, तो फिर आप रंजन चौधरी को भी इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि गोल्स तो भैया आपको जो 11 प्लेयर आपने उतारे हैं उन्हीं को मारने पड़ेंगे गोल्स। गोल्स मारने के लिए आप कोच को तो नहीं कहोगे कि भाई जा तू मार गोल। अब यहाँ पे अटैकर्स की हमारे गलती है, इतने चांसेस मिले कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। स्टिल 2-0 की विक्ट्री हमने दर्ज करी है, बट ये 7-0 8-0 वाला मैच था इंडिया के लिए जो उन्होंने वेस्ट कर दिया। बट यहाँ पे अगर अब मैं बात करूँ कि इंडियन अंडर 20 नेशनल टीम के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है क्वालिफाई होने के लिए, तो सीधा सीधा है क्वालिफिकेशन सिनेरियो जॉर्डन अंडर 20 वर्सेस कतर अंडर 20 में, जो कि रात को 10:30 बजे मैच है, उसमें जॉर्डन को जीतना पड़ेगा अगेंस्ट कतर अंडर 20, एंड वो भी 2 गोल के मार्जिन से। क्योंकि अगर आप देखो तो कतर का जो जीडी है वो अच्छा है, एंड अगर उन्होंने जॉर्डन को हरा दिया यहाँ पे, तो फिर कतर चली जाएगी अंडर 20 एशियन कप में। तो यहाँ पे जॉर्डन अंडर 20 को कन्विंसिंगली हराना पड़ेगा कतर अंडर 20 को। और एक और मैच भी है जिसके ऊपर हमारी नज़रें रहनी चाहिए, वो है सऊदी अरेबिया अंडर 20 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 20, क्योंकि वहाँ पे भी सऊदी अरेबिया अंडर 20 को जीतना पड़ेगा ताकि इंडिया अपनी जो पोजीशन है 5th प्लेस की उसको सस्टेन कर पाए, उसी पे रह पाए। अगर सऊदी अरेबिया एंड ऑस्ट्रेलिया अंडर 20 का मैच हो जाता है ड्रॉ, तो यहाँ पे फिर इंडिया के लिए ट्रबल हो जाएगी, एंड इंडिया फिसल कर 6th प्लेस पे आ जाएगी, एंड हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज हमारे हक में जाने चाहिए। अगर दोनों नहीं जाते हैं हक में, एक जाता है सिर्फ, तो भी हमारे इंडियन अंडर 20 टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर दोनों ही सिनेरियोज हमारे खिलाफ जाते हैं, तो फिर भैया टाटा बाय बाय हमारे टूर्नामेंट को हो जाएगी, एंड काफ़ी ज़्यादा सालों बाद हमारे पास एक ही अच्छा चांस है अभी भी क्वालिफाई होने के लिए अंडर 20 एशियन कप के लिए। बट जॉर्डन एंड कतर में जॉर्डन जीतनी चाहिए 2 गोल्स से, एंड सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में सऊदी अरेबिया जीतनी चाहिए, ड्रॉ नहीं होना चाहिए वो मैच। तो यहाँ पे अभी भी चांस है काफ़ी अच्छा अंडर 20 एशियन टीम के पास हमारी इंडिया की। बट यहाँ पे 7-0 8-0 अगर हम कर देते, जो कि हम कर सकते थे आज अगर हम क्लिनिकल होते, तो फिर हमको ऐसे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता दूसरे फिक्स्चर्स के ऊपर। एंड ये जो दोनों मैचेस हैं, कतर जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरेबिया, ये दोनों के दोनों मैचेस रात को 10:30 बजे हैं, तो रात को आपको 12:30 के आसपास क्लियर हो जाएगा कि हमारी इंडिया की टीम अंडर 20 की एशियन कप में जा रही है कि नहीं जा रही। बट यस, काफ़ी अटैक्स बनाए हमने, काफ़ी अच्छा खेले हम, हमारी डिफेंसिव अगर देखा जाए तो ड्यूटीज जो प्लेयर्स निभा रहे हैं वो कमेंडेबल थी। बिल्कुल भी लगा नहीं ऐसा कि लाओस एक गोल मार पाएगी। बट यहाँ पे ईरान की अंडर 20 टीम ने मंगोलिया अंडर 20 टीम को 8-0 से हराया है, तो दिस इज़ व्हाट द पावर हाउस कंट्रीज डू। एंड उन्होंने लाओस को भी
8-0 हराया था, उन्होंने मंगोलिया को भी 8-0 हराया है। तो यहाँ पे पता चलता है कि हैवी वेट्स ऑफ एशिया का क्या मतलब होता है, डोमिनेंस दिखाई है उन्होंने अपने गोल्स के द्वारा। पोजेशन आप जितनी मर्जी रख लो, अटैक्स आप जितने मर्जी बना लो, शॉट्स आप जितने मर्जी ले लो, बट अगर वो गोल नहीं जा रहे हैं तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, एंड फिर आपको ऐसे ही दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा क्वालिफिकेशन के लिए। बट यहाँ पे अभी भी इंडिया अंडर 20 के पास अच्छा चांस है, होगी या नहीं होगी वो हमको अभी से कुछ घंटों में पता चल जाएगा। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस लाओस जो मैच हुआ है। बट यहाँ पे मनोलो मार्केज की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो वो डिले ले रहे हैं अभी भी स्क्वाड अनाउंस करने में, क्योंकि वो अभी इंजरीज का थोड़ा देख रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स इंजरी कैरी कर रहे हैं, कौन से प्लेयर्स को उन्होंने बुलाना है, कौन से प्लेयर्स को नवंबर की विंडो में बुलाना है, तो वो अभी भी सॉर्ट नहीं हुआ है मनोलो मार्केज की तरफ से। तो इसीलिए उन्होंने अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं करा है जो कि वियतनाम जाएगा। बट लेट्स होप कि जल्दी वो स्क्वाड अनाउंस करे, एंड रात को क्या पता हमको एक गुड न्यूज़ मिले कि हमारी टीम बहुत सालों बाद अंडर 20 एशियन कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। फिंगर्स क्रॉस। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।